हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटेक आरके। अगर आप भी JBL के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं JBL का एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मॉडल के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है दोस्तों JBL का 15WP550। ये JBL का 550 वाट का बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल स्पीकर है। इस वीडियो में हम इस स्पीकर की कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन और प्राइस डिटेल के बारे में बात करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस स्पीकर में हमें क्या खास बात देखने के लिए मिल जाता है जिसकी वजह से हम इस स्पीकर को खरीदें। सो चलिए इस वीडियो के स्पेसिफिकेशन को बारे में जानते हैं। उससे पहले हम इस स्पीकर की लुक के बारे में लुक को देख लेते हैं, कैसा ऐसा स्पीकर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्पीकर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। आप इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस वीडियो में देख सकते हैं। सो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इस स्पीकर के स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे इस स्पीकर के प्राइस के बारे में। तो जो ये जो स्पीकर है दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है 15WP550, ये 550 वाट का स्पीकर है। इसका पावर रेटिंग 550 वाट RMS होता है। इसका प्रोग्राम पावर 1100 वाट है। इसकी सेंसिटिविटी की बात कर ले तो 95.5 डेसिबल इसका सेंसिटिविटी है। इम्पीडेंस इसमें 8 ओम्स देखने के लिए मिलता है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसमें 45 हर्ज़ से 3500 हर्ज़ है, और इसका रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी FS 40 हर्ज़। और किसी भी मिड स्पीकर की बात कर ले तो उसका रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी 40 हर्ज़ से 47 हर्ज़ होता है, और ये जो स्पीकर है इसका रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी 40 हर्ज़ है। तो आप समझ सकते होंगे कि इस स्पीकर में हमें कितना अच्छा बेस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जितना कम रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उतना अच्छा उस स्पीकर में बेस देखने के लिए मिलता है, और जितना ज़्यादा रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ते आता है मिड क्वालिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ते आता है। तो ये और किसी भी मिड स्पीकर में 40 हर्ट्ज से 47 हर्ट्ज के आसपास रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो स्पीकर है इसमें 40 हर्ट्ज देखने के लिए मिलता है। तो इस स्पीकर में काफ़ी अच्छा बेस देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर XMAX की बात कर ले तो XMAX इसमें 6 mm देखने के लिए मिलता है, और मिड बेस स्पीकर में अधिकतर हम लोग देखते हैं दोस्तों 4 mm 5 mm ही XMAX होता है, और ये जो स्पीकर है इसमें 6 mm XMAX देखने के लिए मिल रहा है। तो आप समझ सकते होंगे इस स्पीकर में कितना अच्छा पंच देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो स्पीकर है दोस्तों, अब इसमें बहुत ही अच्छा मिड बेस और पंच देखने के लिए मिल जाएगा। BL की बात कर ले तो BL इसमें 20.39 dBm देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो प्राइस मुझे इसका एक्चुअल तो नहीं पता, पर मैंने बहुत सारे वेबसाइट में इसे सर्च किया और बहुत सारा जगह इसे पता करने का कोशिश किया, तो भी मुझे इसका एक्चुअल प्राइस पता नहीं चल पाया, क्योंकि मुझे अभी तक JBL के किसी डीलर से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। सो मैं इसका ऑनलाइन प्राइस जो कि मैंने वेबसाइट में सर्च किया उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट देखने से मुझे ये पता चलता है कि इसका जो प्राइस है 15,000 के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाता है। पर दोस्तों, ये प्राइस मैं आपको श्योरली नहीं बता सकता, और मुझे जब इसका जो एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका प्राइस मैं एक बार ज़रूर बता दूंगा, और हो सके तो मैं किसी JBL के डीलर का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उससे भी कॉन्टैक्ट करके इस स्पीकर का प्राइस और इस स्पीकर को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा लीजिएगा।